नमस्कार दोस्तों, मैं बानी श्री चंद्रवंशी टॉप रिपोर्टर में आप मन के स्वागत करत हूँ। आज हो गए 10 दिसंबर और आज के बड़े खबर माँ ताजमहल के दीदार हुई 5 गुना महंगा, नवा दर 10 दिसंबर से लागू, जानो अब खर्च करना पड़ी कितना रुपया। ताजमहल के टिकट 10 दिसंबर के महंगा होयला जात है। अभी तक घरेलू पर्यटन है 50 रुपया और विदेशी पर्यटन 11 रुपया माँ ताजमहल के दीदार करत रही, लेकिन अब देशी पर्यटन ला 250 रुपया और विदेशी पर्यटन ला 1300 रुपया प्रति टिकट लेना होगी। 200 रुपया के ये शुल्क साथ जहाँ और मुमताज के कब्र वाला मुख्य गुम्बद तक जाए के लिए लगाए गए हवे। अगला बड़े खबर, चीन ला पछाड़ के ये मामला माँ भारतीय दुनिया माँ बनी नंबर वन। आप भी जानो विदेश से अपन देश माँ पैसा भेजे के मामला माँ भारतीय सबसे आगे हवे। 2018 माँ भी शीर्ष स्थान ला बरकरार रखे हवे। विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी भारतीय मन ये वर्ष माँ $80 भेजे हवे, एकर बाद चीन के नंबर हवे। यहाँ के नागरिक मन चीन ला $67 अरब भेजे हवे। भारत और चीन के मेक्सिको $34 अरब, फिलीपीन है $34 अरब और मिस्र है $26 अरब के स्थान में ही। विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड रेमिटेशन रिपोर्ट में हालिया संस्करण के मुताबिक धन प्रेषण के मामला में भारत सबसे आगे रहे हैं। अगला बड़े खबर, ऑफलाइन आधार और QR कोड लेकर सुरक्षा तक यहां मिली हर सवाल के जवाब। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वेरिफिकेशन के ऑफलाइन तरीका लॉन्च किए है। एकर से बायोमेट्रिक KYC की जरूरत नहीं पड़ी। UIDAI के नवा QR कोड आधार यूजर्स QR कोड स्कैन और वेरीफाई करे के अनुमति दे हवे, जेकर से वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा किए जा सकते। एकर से आधार धारक अपन 12 डिजिट के आधार नंबर ना कोई ला बताए के जरूरत नहीं पड़ी। अगला बड़े खबर, अगर आप मन के पास है 50,000 से 1,00,000 तक के रुपया तक कर सकता हो ये बिजनेस, एमा मुनाफा के है गारंटी। अगर आप मन के पास कोई हुनर है तो आप ओला भी बिजनेस के आधार बना सकते हो। हम आप मन ला बतावा था ऐसे ही कुछ बिजनेस के बारे में जेला आप घर में या छोटे से दुकान में शुरू कर सकते हो। अगर आप मन ला फोटो और वीडियो एडिटिंग से जुड़े कुछ ज्ञान है तो आप मन ये काम आसानी से कर सकते हो। फास्ट फूड शॉप, ट्रेवल एजेंसी, किड्स प्ले सेंटर, स्टॉप और यही प्रकार के बिजनेस कर सकते हो। अगला बड़े खबर, एयरटेल है 289 रुपया में पेश करे हवे 84 दिन के वैलिडिटी वाला प्लान। एयरटेल वोडाफोन के जवाब में अपन ग्राहक पर 289 रुपया के प्रीपेड प्लान लॉन्च करे हवे। ये प्लान के वैलिडिटी 84 दिन के हो ही, हालांकि टेलीकॉम के रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल के यह नवा प्लान अभी कोलकाता सर्किल में ही उपलब्ध हवे। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 289 रुपया में 48 दिन के वैलिडिटी मिलत हवे। अगला बड़े खबर, आज से शुरू हो इस कन्नूर हवाई अड्डा, 4 एयरपोर्ट वाला अकेला राज्य बनी केरल। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हां आज कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के उद्घाटन करी। एकर साथ ही केरल देश का अकेला ऐसे राज्य बनेंगे हवे जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से। कन्नूर हवाई अड्डा 2000 एकड़ में फैले हवे और 1800 करोड़ रुपया के लागत में यह बनकर तैयार किए गए हवे। एकर पर एक बार में ये 2000 यात्री हैंडल कर सकते। सालाना यहां से 1.5 मिलियन अंतरराष्ट्रीय यात्रा करी। रनवे के लंबाई 3050 मीटर है और 4000 मीटर तक बढ़ाएला जाही। अगले बड़े खबर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम ला बदले के सिफारिश कुलपति है सरकार ला भेजी प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के ओर से संगम नगर इलाहाबाद के नाम बदल प्रयागराज कर दे के बाद अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम बदले के मांग उठत। ये मांग ला लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति है सरकार ला एकर सिफारिश पत्र भेजे हवे। एमा मांग करे के हवे की यूनिवर्सिटी के नाम जल्द बदले जाए। ओकर द्वारा भेजे गए पत्र मां कहे गए है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम बदल के प्रयागराज राज्य यूनिवर्सिटी करे जाए। अगला बड़े खबर, अगले साल मेहरम के बगैर बड़े संख्या में हज में जा सकते मुस्लिम महिला। नकवी, अगले साल मेहरम के बगैर बड़े संख्या में मुस्लिम महिला हज जा सकते। अल्पसंख्यक मामला के मंत्री अब्बास नकवी है कही कि अगले साल बड़ी संख्या में मुस्लिम महिला मेहरम के बगैर हज यात्रा पर जा सकते। नकवी है हज से जुड़े संगठन के प्रतिनिधि के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही कि मुख्तार अब्बास नकवी के कार्यालय द्वारा जारी बयान में ओकर हवाले से कहे गए हवे कि करीब 47% महिला हज आवेदन प्रक्रिया में 7 नवंबर 2018 के शुरू हो रही और एकर अंतिम तिथि 12 दिसंबर के है। अगला बड़े खबर, मुकेश अंबानी मुंबई में बनावत है आलीशान जियो वर्ल्ड सेंटर। खासियत जानकर रह जाओ हैरान। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के वाणिज्य क्षेत्र में स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर
और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सेंटर होटल, एक लग्जरी मॉल सहित दो मॉल, प्रदर्शन कला थिएटर, एक रूफ टॉप ड्राइवर मूवी थिएटर और वाणिज्य कार्यालय बनावा थे। एक रिपोर्ट के अनुसार लग्जरी मॉल विभिन्न वैश्विक लग्जरी ब्रांड के मेजबानी करी, जिनमें RIL जैसे जेन्ना, कनेली, बोटेगा, वेनेटा, बाली और अरमानी के साथ साझेदारी है। अगला बड़े खबर, कर विभाग दिस आदेश, ये देश में एयरटेल के सभी दफ्तर हो ही बंद। देश के सबसे बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाता एयरटेल ला तगड़ा झटका लगी। भारत के भारतीय एयरटेल समूह नाइजर ने अनुसांगिक कंपनी के कार्यालय ला नाइजर हा बंद करे के आदेश दे हवा। ये बड़ा फैसला कंपनी के 763 करोड़ रुपए के बकाए टैक्स ला ध्यान में रखते हुए ले गए हवा। ये मामला मा कंपनी हा और कर विभाग हा कोई टिप्पणी करे से इनकार करत हवा। अगला बड़े खबर, कनेक्शन कटही ता परिवार के अन्य सदस्य के नाम भी नहीं लगी मीटर। डिफाल्टर उपभोक्ता ला लेकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम सख्ती करेला जावत है। बकाया बिल मा ब्याज माफी योजना दे के बाद निगम प्रशासन के अगला कदम बकायेदार के कनेक्शन काटने के है। योजना के तहत डिवीजन में 60,000 डिफाल्टर में से 78,000 उपभोक्ता बकाया बिल के भुगतान कर चुके हैं, मगर अन्य उपभोक्ता गंभीरता नहीं दिखावा थे। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जहां अपन इलाका में विकास पर जोर दे थे, वहीं ओकर इलाका में सबसे ज्यादा डिफाल्टर है। अगला बड़े खबर, सफेद चंदन के करो खेती, 80,000 लगा के कमा सकता हो 60,00,000 तक। अगर आप मन के पास कोई 1-2 एकड़ खाली जमीन है तो एमे आप आसानी से ये खेती कर सकता हो। एमे आप सिर्फ पौधा खरीद के सिंचाई व्यवस्था करके खाद डाल के और खेत के चारों ओर बाल लगा के 1,00,000 रुपए तक के खर्च कर सकते हो। वैसे तो चंदन के पौधा माँ बाकी पौधा के तुलना में काफी महंगा आते, लेकिन अगर आप बहुत सारा पौधा खरीदे हवा तो ये औसतन आप 400 रुपए माँ मिल जाये। शहरी इलाका माँ जिन लोग प्लाट लेकर खाली छोड़ देते ओला सफेद चंदन के खेती बहुत फायदा हो सकते। जब तक आप जमीन के कीमत बढ़ी तब तक आप चंदन के लकड़ी से भी कमाई कर सकते हो। अगला बड़े खबर, SBI मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम हेमा जुड़ी 10 बार जेन ला आप ला जानना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक विशेष प्रकार के फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट स्कीम के पेशकश करत हवे, जिला मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम के नाम से जाने जाते। गौरतलब है कि MOD टर्म डिपॉजिट के तरह है, लेकिन यह जमाकर्ता के सेविंग या करंट अकाउंट से लीक होते। एकर से अगर जमाकर्ता लीक किए गए खाता ला पैसा से निकासी करना चाहते और उतना राशि खाता में मौजूद नहीं है तो ये स्थिति में वह MOD से भी निकाल सकते। अकाउंट लीकेज, मिनिमम अमाउंट, मिनिमम टेन्योर, ब्याज दर, मैच्योरिटी, पूर्व निकासी, नॉमिनेशन, ये सब के जानकारी होना चाहिए। अगला बड़े खबर, बिजली के सस्ता दर, KYC जरूरी, दफ्तर से ही नहीं उपभोक्ता अब हेल्पलाइन नंबर से और ऑनलाइन जमा करा सकते जरूरी जानकारी। सरकार की ओर से बिजली निगम उपभोक्ता हा बिजली सस्ता दर में उपलब्ध करे के लिए योजना शुरू करे हावे, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के चला सीधा तौर में करीब 40% उपभोक्ता ला एक लाभ नहीं मिल पाही। यही ला देखते हुए बिजली निगम के ओर से ऐसे उपभोक्ता जेन हा कोई कारण से निगम के दफ्तर में नहीं पहुँच पाही तो ओका लिए हेल्पलाइन नंबर व ऑनलाइन सुविधा शुरू करे हावे। नई स्कीम के तहत वही उपभोक्ता ला सस्ता बिजली दर में लाभ मिली जेन हा अपन बिजली खाता में आधार कार्ड नंबर निगम के पास जमा करवाया। अगला बड़े खबर, फॉर्ब्स के ताकतवर महिला के सूची में येन भारतीय महिला हा फहराई सपन परचम हावे नंबर 1 मा। शोभना भरतिया भी शामिल, HD मीडिया के चेयरपर्सन और प्रबंधक निर्देशक, 61 वर्ष की भरतिया सूची में 28वें स्थान पर है। भरतिया हा वर्ष 2013 में साप्ताहिक वाणिज्य पत्र मीट एशिया सिंगापुर में पेश किए हैं। बाद में वह सोशल और डिजिटल मीडिया इकाई वेब ट्यूट खरीदे है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सूची में 94वें स्थान पर है। वो अमेरिका गायक और अभिनेता निक जोन से इस सप्ताह शादी करे हावे। फोर्ब्स के अनुसार 36 साल के प्रियंका चोपड़ा निश्चित तौर में सफल बॉलीवुड अभिनेत्री है जेन हा हॉलीवुड में भी सफलता प्राप्त करे हवा। अगला बड़े खबर, अगर सीख लू यह एक काम तो 50% बढ़ जाए आपके कमाई। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कहे जाने वाले अरबपति वारेन बफे हा युवा मला अमीर बनाए के लिए अपन बेस्ट एडवाइस दे हवा। वो हा किसी कोई भी व्यक्ति ओकर बताए हुए कोई एक काम सीख ले तो ओकर वर्थ यानी कीमत लगभग 50% बढ़ जाए।
बफे ह युवा मन ल सलाह दिस कि अगर वह स्पष्ट लिखना और बोलना सीख ले, ध्यान केंद्रित करे बर सीख ले, खासा फायदा हो जाही। वो अपन वीडियो में कहिस कि अपन मौजूदा वर्थ ल कम से कम 50% बढ़ाए के लिए अपन कम्युनिकेशन के स्किल में सुधार करना होही। बफे ह कहिस कि यदि आप संवाद नहीं कर सको तो यह काफी हद तक अंधेरे में लड़की ल आंख मारे के बराबर है, जैसे कुछ नहीं हो। आप मन के पास दुनिया के पूरा ब्रेन पावर है, अगर आप एक फायदा दूसरा ला नहीं दे पाओ तो ये बेमतलब हो जाए। अगला बड़े खबर, का आप जानता हो कि आपके जेब में सोने के खान है? सोना के ये खान आपके मोबाइल ही नहीं, ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान में इतना सोना चांदी होते जेला खदान से भी बड़े मशक्कत के बाद निकाले जाते। कोई भी खदान से 3 से 4 ग्राम सोना ना निकाले पर करीब 1 टन अयस्क ला छानना पड़ते। वही मोबाइल फोन टैबलेट और लैपटॉप जैसे 1 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा ला करीब 350 ग्राम सोना निकाले जा सकते। इंसानी बस्ती में मौजूद ये अनजानी सोना चांदी के खदान हा दोहन टोक्यो मा 2020 में होने वाला ओलंपिक खेल के लिए करे जावा थे। टोक्यो 2020 ओलंपिक के आयोजक में तय किए है कि वह ये खेल में मेडल यानी तमगा अर्बन माइनिंग से मिले धातु से तैयार करही। टोक्यो 2020 ओलंपिक में करीब 5000 मेडल दिए जाने हैं। अगले बड़े खबर, ये स्टेशन के बीच चल ही नहीं तेजस, वही एक खासियत। इंडियन रेलवे हाल ही में तेजस एक्सप्रेस के लिए आधुनिक फीचर्स वाला कोच ला शुरू करत हावे। यह ट्रेन चेन्नई और मट्टुरे के बीच चलाए जाही। पहली तेजस ट्रेन पिछले साल से मुंबई और गोवा के बीच चलाए जा रही से देश के सबसे आधुनिक व सबसे तेज गति से चलने वाला रेलगाड़ी ट्रेन 18 ला सफलतापूर्वक बनाए के बाद रेलवे हा चेन्नई स्थित कोच फैक्ट्री ICF रेल यात्री पर सुविधा के लिए एक और बड़े प्रोडक्ट पर काम करत हावे। अगला बड़े खबर, अब मात्र 500 रुपए मा करू हवाई यात्रा, 19 दिसंबर के एयर इंडिया शुरू कर ही नई सुविधा। उड़ान योजना में उत्तराखंड के जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आवत है। एयर इंडिया हा पतंग नगर देहरादून के बीच 19 दिसंबर से शुरू करे जात फ्लाइट के किराया में उत्तराखंड सरकार हा छूट दे थे। अगले बड़े खबर, GST एनुअल रिटर्न जमा करे के अंतिम तिथि 3 महीना बढ़ के 31 मार्च हो गया हावे। वित्त मंत्रालय हा माल एवं सेवा कर वार्षिक रिटर्न जमा करे के अंतिम तिथि 3 महीना बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दे है। कारोबारी अब 31 मार्च तक वार्षिक रिटर्न जमा कर सकते। एकर पहले GST वार्षिक रिटर्न फॉर्म जमा करे के अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 रखे गए हावे। वार्षिक रिटर्न फॉर्म में GST के तहत पंजीकृत इकाई के बिक्री खरीदी इनपुट टैक्स क्रेडिट और पूरा जानकारी देना पड़ी। अगला बड़े खबर, महिंद्रा हा लॉन्च करी ई अल्फा मिनी ई रिक्शा, एक बार चार्ज होकर चल ही 84 किलोमीटर। महिंद्रा एंड महिंद्रा हा ई रिक्शा के क्षेत्र में भी कदम रख दिए है। कंपनी हा ई अल्फा मिनी नाम से ई रिक्शा लॉन्च करे हावे, जेकर कीमत है 1,12,000 रुपए रखे हावे। ई रिक्शा ला कोलकाता, लखनऊ और देश के अलग अलग हिस्सा में भी बेचे जाही। खास बात ये है कि ये ई रिक्शा एक बार चार्ज होकर 84 किलोमीटर के सफर तय कर पाई। ई रिक्शा के अंतिम स्पीड 25 किलोमीटर/आवर के दे हावे। अगला बड़े खबर, सैमसंग के सेल, कई स्मार्टफोन पर मिलत है ऑफर। सैमसंग हा अपन बेस्ट डे सेल के शुरुआत कुछ समय ही कर दे है। एकर ग्राहक ला 9,000 रुपए तक एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ साथ कैश डिस्काउंट भी दिए जाते। ये सेल 31 दिसंबर तक जारी रही, जेकर स्मार्टफोन पर एक्सचेंज डिस्काउंट दिए जाते। ओमे सैमसंग गैलेक्सी नोट 9, गैलेक्सी S9 प्लस और गैलेक्सी A9 2018 का नाम भी शामिल है। अगले बड़े खबर, पहली से काफी सस्ता हो गए पोको F1, जानो नई कीमत और फीचर। चीन के इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जियोमी हाल ही में यह घोषणा करे हावे कि ओकर पोको F1 स्मार्टफोन के 70 लाख यूनिटी बेचे है। अब कंपनी ए मौके पर पोको F1 के कीमत में कटौती करे हावे। कंपनी के तरह से भारत में ये हैंडसेट के कीमत में स्थायी तौर में 1,000 रुपए के कटौती के गए हावे। कीमत की कटौती स्मार्टफोन के सभी वेरियंट में के गए हावे। अब ग्राहक के डिवाइस के 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज ला 19,999 रुपए में खरीद सकता हूँ। ऐसा न्यूज बट टॉप रिपोर्टर ला सब्सक्राइब करो। आप मला ये न्यूज अच्छा लगी, से वीडियो अच्छा लगी तो अपन दोस्त मन के साथ जरूर शेयर करो। और एक साथ अगर आप मन के पास अच्छा वीडियो या जानकारी है तो कमेंट कर हमला जरूर बताओ। राम राम।